रीता जल्दी आरती शुरू हो गई है। हाँ हाँ बस आई। खुद की भलाई हो, इस इच्छा से दूसरों की बुराई चाहने का सबसे दुखद सत्य ये है कि अक्सर ये इच्छा पूरी भी होती, पर क्या दूसरों की बर्बादी हमें वाकई में खुशी दे सकती, हमें एक नई शुरुआत दे सकती? किराया मालती बहन, उनसे बात करने से भी क्या होगा कमल? बात ना करने से ही हालत हुई अपनी टीचरों वाली। अब जो है सो है कमल, कर कर आके क्या कर सकते हैं, हमारी किस्मत। किस्मत मजबूरी है, मजबूरी बिना बात की मजबूरी साली। किसी दूसरे के खात्मे का सपना देखने से खुद की जिंदगी सवरती है भला? और जब इंसान उस सपने को एक भयंकर हकीकत में बदल देता है तब क्या होता है? सर एक खबर आई है, बुरी खबर। बोलो जगन। सर उम्मीद की जा रही थी कि अजीत वर्मा के बारे में कोई खबर होगी, लेकिन टिप मिली है कि नक्सली हमला होने वाला है। सर ये हमला गेस्ट हाउस पे हो सकता है और टारगेट आप और विनोद दोनों हैं। जगन अब हम पीछे तो नहीं हटने वाले। सर प्लीज सिर्फ अभी के लिए एक कदम पीछे हट जाइए, जब तक आपके पास टीम पहुंचेगी देर हो सकती है। सर वक्त सही नहीं इसलिए कह रहा हूँ, सिर्फ एक कदम पीछे हट जाइए, अभी के लिए वापस लौट जाइए। कोई अपने स्वार्थ को एक जायज इच्छा समझ बैठा था, किसी और की बर्बादी चाहने में अपना फायदा देख चुका था, और जो बर्बादी चाही थी वो अचानक से आई जरूर, वह भी एक ऐसे भयंकर रूप में जो और जो होने वाला था वह भी अंधेरे में था। मोहित बेटा तेरे जयकिशन दादा और गीता दादी कहीं बाहर गए हुए क्या? पता नहीं पंडित जी, पापा ने तो कुछ बताया नहीं, लेकिन हुआ क्या? दो दिन से आरती में आए नहीं ना वो दोनों। मैं और पापा तो कुछ काम में बिजी थे इसलिए नहीं आ पाए, लेकिन दादाजी और दादी जी को तो आना चाहिए था। सालों हो गए एक दिन भी चूके नहीं थे। मैं काम करता हूँ, उनके घर पे जाकर पता करके आता हूँ। रुको मोहित, मैं भी साथ में चलता हूँ। मोहित जरा अपने पिताजी से पूछो कहीं बाहर वार तो नहीं गए जय किशन जी गीता जी के साथ। नहीं मोहित, चाचा जी ने मुझसे तो कुछ कहा नहीं कहीं बाहर जाने के बारे में, और वैसे भी वो अपने आप कहाँ जाएंगे, इतने सालों से शहर के बाहर तो निकले नहीं कभी। हाँ पापा, पर मैं पंडित जी के साथ दादाजी के घर के बाहर हूँ और दरवाजे पे तो ताला लगा है। जय किशन जी को आखिरी बार मैंने परसों 15 तारीख को देखा था जब वो टहलने जा रहे थे। ऐसे कैसे बिना बताए कहीं चले गए? ऐसा कैसे हो सकता है, चाचा जी मुझे बिना बताए कहीं जाते ही नहीं। आनंद जी घर के अंदर से बदबू आ रही है। हाँ पापा बहुत गंदी स्मेल आ रही है।
सर घर में जबरदस्ती घुसने के कोई निशान नहीं मिले। बाहर जो ताला लगा था वो घर का ही है। हर रोज आरती पर जाने से पहले यही ताला लगाकर जाते थे दोनों। ये ताला कातिल नहीं लगाया होगा। और सर लूट वूट के भी कोई निशान दिख तो नहीं रहे। वैसे सर देखने से कोई अमीर दंपति नहीं लग रहे हैं। बेडरूम में सिर्फ एक अलमारी है, सारे का चेक कर रही हो उसे। अलमारी में एक लॉकर है, लगता नहीं उसे खोला गया है, पर उसकी चाबियां भी नहीं मिल रही। मोबाइल फोन्स? सर दोनों के मोबाइल फोन्स अभी तक नहीं मिले हैं। जब मैंने ट्राई किया तो चाचा जी और चाची जी दोनों के फोन बंद आ रहे थे। कोई बच्चे नहीं इनके? एक बेटी है नूपुर हुड्डा। वो इनके साथ नहीं रहते? वो मजनू खेड़ा में रहती है अपने पति कमल और बच्चों के साथ। आपने इतला दी उन्हें? इतना हड़बड़ा गया था कि भूल ही गया। वैसे लॉकर की चाबी भी मिली नहीं हमें। वो तो हमेशा चाचा जी और चाची जी के पास ही रहती थी, बड़े जतन के साथ संभाल के रखते थे दोनों। नहीं आनंद भैया, ये नहीं हो सकता, आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है। नहीं नूपुर, मेरे सामने चाचा जी और चाची जी की लाशों को हॉस्पिटल ले जाया गया है। इतना बड़ा लॉकर मिडिल क्लास घर में, ऐसा क्या रखा होगा इस लॉकर में? सर फॉरेंसिक से पूरा घर स्कैन करवाते हैं, उन्हीं से लॉकर खुलवाते हैं। सर किचन में चकले पे एक पराठा बेल के रखा गया है, बगल में प्लेट में एक पराठा बना हुआ रखा है, हॉल में एक जूठी प्लेट रखी गई है जिसमें शायद पराठा खाया गया है, उसके बगल में एक जूठी कप भी है जिसमें शायद चाय पी गई है, और सर गीता जी के हाथ में आटा लगा हुआ था, और गेट पे जबरदस्ती घुसने के कोई निशान भी नहीं है। सर ये जिसने भी किया है वो जरूर कोई जान पहचान का है। कातिल जान पहचान का है या कोई अनजान, लेकिन जो भी है अभी तक लॉकर की चाबी नहीं मिली, तो क्या कातिल ने लॉकर खोलकर इस लॉकर से कुछ निकाला होगा? दोनों की मौत गला दबाने से हुई है। मौत दो दिन पहले हुई होगी, यानी 15 सितंबर को दोपहर के वक्त। डॉक्टर, क्या आपको बॉडीज पर कोई उंगली के निशान मिले? वैसे क्राइम सीन से फॉरेंसिक टीम ने फिंगरप्रिंट्स कलेक्ट किए हैं। बॉडी पर उंगलियों के निशान के लिए हमें अलग से चेक करना होगा। हाँ, मेल विक्टिम जयकिशन दहिया का गला हाथों से दबाया गया था, लेकिन गीता दहिया के केस में ऐसा लगता है कि गला घोटने के लिए किसी कपड़े का इस्तेमाल किया गया था। जयकिशन दहिया के भतीजे आनंद का कहना है कि इनकी उम्र 62 से 63 के बीच में है और इनकी पत्नी गीता की उम्र 48 साल के करीब। देर से शादी की होगी शायद। डॉक्टर, जयकिशन की बेटी है नूपुर हुड्डा, 38 साल की, तो शायद पहली शादी से होगी और ये विक्टिम की दूसरी शादी रही होगी। कातिल के साथ संघर्ष के कोई निशान? बिल्कुल नहीं। कातिल एक तो जान पहचान का रहा होगा और इन दोनों के मुकाबले मजबूत भी रहा होगा। इन दोनों को तो भनक भी नहीं लगी होगी कि मौत इनके करीब है। सर अगर कोई ये कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ नूपुर है। क्या कृष्ण जी की सगी बेटी? पर गीता चाची की सौतेली। तो क्या कत्ल करने जितनी अनबन थी? थी सर, बिल्कुल थी। मैंने बाकी पड़ोसियों से भी बात की थी, इन किसी ने भी 15 सितंबर दोपहर को जयकिशन जी के घर जाते या वहां से आते हुए किसी को नहीं देखा। पर नंदलाल जी, कोई तो घर के अंदर गया और घर से निकला भी, वो भी ताला लगाकर। किसी का ध्यान नहीं गया होगा। वैसे भी किसी को पहले से थोड़ी मालूम ना होगा कि कोई आके इतना बड़ा हत्याकांड करके जाएगा। ये बेटी नूपुर और भतीजा आनंद, इन लोगों का घर पे ज्यादा आना जाना नहीं होता था, उनके ध्यान में क्यों नहीं आई ये बात? आनंद का तो लगभग रोज ही आना जाना होता था, लेकिन अजीब बात यह है कि उन्हीं दो दिन जिस दिन कांड हुआ था वो नहीं आया, और नूपुर के बारे में तो हमें कुछ ज्यादा पता नहीं। अच्छा, इन्होंने अपने घर में काम करने के लिए किसी को तो रखा होगा, कोई तो आता जाता होगा। मैडम, आप जयकिशन जी को नहीं जानती है, मतलब अपने घर का सारा काम वो खुद ही करते थे। और उनकी पत्नी गीता,
वो तो किसी काम में कम नहीं थी, अपने घर का सारा काम खुद करती थी। गोविंद। हाँ बोलिए सर। आप 20 रुपए वाला चावल, दाल ठीक है, और 15 रुपए का तेल दे दे। तो क्या बताया आनंद, क्यों मरवाया नूपुर ने अपने पिता और सौतेली माँ को? प्रॉपर्टी के लिए सर, अपने पिता की प्रॉपर्टी, जो मेरे जयकिशन चाचा नूपुर के नाम कभी नहीं करते। प्रॉपर्टी? उस पुराने घर के लिए नूपुर ने दो दो मर्डर करवाए? नहीं सर, वो घर नहीं। आनंद ने बताया कि जयकिशन जी की और भी कई प्रॉपर्टीज है, ये आनंद खुद उन सभी जगहों से किराए इकट्ठे करता था और जयकिशन जी को देता था। एक तरीके से जयकिशन जी का खजांची है ये आनंद। ये आनंद जयकिशन जी का भतीजा है ना? जी हाँ सर, बड़े भाई का बेटा जिनकी डेथ हो चुकी है। और ये गीता जी नूपुर की सौतेली माँ थी। सौतेली माँ भी तो माँ ही होती है ना सर। आपके पति आपके साथ नहीं आए? कमल हुडा। मेरे पति टेम्पो चलाते हैं, चंडीगढ़ गए डिलीवरी पर। क्या बोल रहे नूपुर, कब हुआ? अभी अभी आनंद भैया का फोन आया था। कब हुआ कैसे हुआ उन्हें भी ठीक से नहीं पता। अच्छा तू एक काम कर, जल्दी से जल्दी पहुँच वहाँ पे। मेरे पति कल सुबह तक यहाँ पहुँच जाएंगे सर। आप लोगों को पता चला ये सब किसने किया? कुछ चीजें पता चली, जैसे कि कातिल जो भी होगा पहचान कर ही रहा होगा। शायद बेल बजाकर घर में दाखिल हुआ होगा और उसके लिए दरवाजा खोला गया, फिर चाय बनी, पराठे बने, जो आपकी सौतेली माँ गीता दहिया ने अपने हाथों से बनाए। कातिल ने चाय पी, पराठे खाए और फिर आपके पिताजी जयकिशन और आपकी सौतेली माँ गीता दोनों का गला दबाकर दोनों को मार डाला और फिर उन दोनों के फोन लेकर बाहर के दरवाजे पर ताला लगाकर चुपचाप वहां से चला गया। आपके घर में एक लॉकर है, आपको तो पता ही होगा, उस लॉकर की चाबी हमें नहीं मिली। हम उस लॉकर को खुलवा रहे हैं, पर इतना तो तय है ये दोनों कत्ल सिर्फ दो मोबाइल फोन के लिए नहीं हुए। कातिल जो भी था आपके माँ बाप की पहचान करा होगा। पहचान का, पर कौन? नूपुर जी, हमने सुना है कि आपके पिताजी की काफी प्रॉपर्टीज है। हाँ तो कितनी होंगी? मुझे नहीं पता सर, आप आनंद भैया से पूछ लीजिए, पापा का सारा कामकाज वही संभालते हैं। उनसे भी पूछ लेंगे, लेकिन आपको क्या लगता है आपके पापा की प्रॉपर्टीज के लिए आपके पिता जयकिशन और आपकी सौतेली माँ गीता को कौन मार सकता? ये बार बार आप सौतेली माँ क्यों कह रहे हैं? कहीं आपका इशारा मेरी तरफ तो नहीं कि मैंने उनका कत्ल करवाया? नूपुर जी, हमने ऐसे कई केसेस देखे हैं जहाँ छोटी छोटी रकम के लिए लोगों ने अपने सगे माँ बाप का कत्ल किया। पर मैं उन लोगों में से नहीं हूँ। मेरे लिए कोई भी प्रॉपर्टी माँ बाप से कीमती नहीं हो सकती। दो करोड़ पक्का? दो बार गिने गए हैं सर, हमने वीडियो रिकॉर्डिंग भी की है। एग्जैक्ट अमाउंट है 2,45,000। और लॉकर तोड़ने की कोशिश नहीं की गई? जी नहीं सर, कोई निशान नहीं मिले हैं। अगर लॉकर खोला गया होगा तो पक्का चाबी का इस्तेमाल किया गया होगा। अगर लॉकर खोला गया तो लॉकर में इतनी ज्यादा रकम थी, कातिल अपने साथ क्यों नहीं लेकर गए? सर, जयकिशन दहिया और गीता दहिया दोनों के सेलफोन्स पालमगंज टावर की रेंज में स्विच ऑफ हुए और लास्ट लोकेशन भी घर के आसपास का ही शो हो रहा है। और इस दौरान कोई फोन कॉल? सर, कॉल रिकॉर्ड से 15 सितंबर की दोपहर को किसी के भी आने का कोई क्लू तो नहीं मिल रहा है। जान पहचान के लोगों को घर आने से पहले फोन करने की जरूरत नहीं होती, खासकर करीबी लोगों को। वैसे सर, कत्ल के वक्त नूपुर हुडा और कमल हुडा इन दोनों का फोन लोकेशन मजनू खेड़ा सेलफोन टावर के रेंज में था, जहाँ पे उन दोनों का घर है। और किराए के हत्यारे घर में बेल बजाकर दाखिल नहीं होते,
और ना ही उन हथियारों को कोई पराठे बनाकर खिलाता है और ना ही चाय बनाकर पिलाता। पर जो जान पहचान वाला आया उसे लॉकर और चाबी दोनों के बारे में मालूम रहा होगा सर, लेकिन उसने लॉकर में रखी हुई 2 करोड़ से ऊपर की रकम वो छुआ तक नहीं। ये दोनों मर्डर ना तो किसी सुपारी किलर ने किए और ना ही किसी पेशेवर लुटेरे ने। ये दोनों कत्ल शायद सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए हुए। जी मेरे खाते के हिसाब से कुल मिलाकर 2,12,45,000 होने चाहिए, मतलब 12 लाख रुपए कम है। इतना सारा कैश कहाँ से आया? ये सारे पैसे किराए से आते हैं। कितनी प्रॉपर्टीज हैं? काफ़ी सारी बिल्डिंगें हैं, दुकानें हैं, चाचा जी टाइम टू टाइम खरीदते रहते थे। सारी प्रॉपर्टीज यही हैं? जी हाँ, यही फरीदाबाद में। जयकिशन चाचा जी की कुल मिला के 3 बिल्डिंगें हैं, हर बिल्डिंग में तकरीबन 100 के करीब फ्लैट्स हैं। फिर सारे फरीदाबाद में अलग अलग जगह दुकानें भी हैं, सभी किराए पर चढ़ा रखी हैं। कुल मिलाकर हर महीने का किराया आता है लगभग 18 लाख रुपए। 18 लाख किराया हर महीने और सारा कैश? जी हाँ, मेरे पास एक एक पैसे का हिसाब है, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। आनंद जी, अब सवाल यह है कि अगर कोई पैसे लूटने के इरादे से आया था तो वो ईमानदारी से 12 लाख रुपए लेकर क्यों जाएगा, जबकि सामने लॉकर में 2 करोड़ से ज्यादा की रकम पड़ी थी। यही तो मैं पहले दिन से कह रहा हूँ सर, ये सब कुछ नुपुर ने किया है। और आप नुपुर को पकड़ने की बजाय उसे ही शिकायतकर्ता बना बैठे, उसके साथ नरमी से पेश आ रहे हैं आप लोग। और आप नुपुर का नाम इतने दावे के साथ कैसे ले रहे हैं? क्योंकि सर, जय किशन चाचा जी उसे अपने दिल और अपनी जायदाद दोनों से बाहर निकाल चुके थे। और ये बात आप कैसे जानते? क्योंकि पहली बात मैं उनका भतीजा हूँ, और दूसरी बात मेरे अलावा उनकी देखभाल करने वाला और कोई नहीं है। आनंद जी, आप हमें ये बताइए, जयकिशन जी ने नूपुर को अपने से दूर क्यों किया? क्योंकि नूपुर का दिमाग टेढ़ा नहीं है, बेरहम भी है। अपने सौतेले भाई को उसने मार डाला था। मतलब अपने पिता जयकिशन और सौतेली माँ गीता के? जी हाँ, बेटा सुभाष, अगर आज वो जिंदा होता तो सारी प्रॉपर्टी पैसा वैसा सबका वारिस वही होता। किसकी नजर लग गई मेरे बच्चे को? मेरा बच्चा क्यों छोड़ के चला गया? बच्चा सुभाष मेरे बेटे मोहित से सिर्फ 1 साल बड़ा था। तो आपका ये कहना है कि नुपुर ने सुभाष का कत्ल करा दिया? फिर तो पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई होगी। आज तक कौन सी पुलिस जादू टोना साबित कर पाई है मैडम? लेकिन होता तो है ना, नुपुर ने ही सुभाष को नशीली दवाओं का आदी बनाया, नुपुर ने ही सुभाष को मौत की तरफ धकेला, लेकिन दिखा ऐसा कि नशीली दवाओं की लत की वजह से जान चली गई सुभाष की। मतलब आपके पास इस बात का कोई सबूत नहीं है कि सुभाष का कत्ल हुआ, ये सिर्फ आपकी सोच है कि नूपुर ने उसे मार दिया? यही सच है सर। सुभाष को हटाने के बाद भी जब नूपुर को लगा कि उसका सगा बाप उसे एक दमड़ी नहीं देगा, तब उसने अपने बाप और सौतेली माँ दोनों का सफाया करवा दिया। दरअसल साहब, ये गीता नूपुर से बहुत डरती थी। जादू टोने वाली बात तो आपने सुनी ही होगी। अरे ये सब कही सुनी बातें, पर साहब ये मानना मुश्किल लगता था कि नूपुर ने अपने भाई सुभाष को मार डाला। अंतिम संस्कार के वक्त हमारे आदमी नजर रखे हुए थे, लेकिन गीता जी की फैमिली में से कोई भी शरीक होता हुआ नहीं दिखा। कहाँ से थे वो? पता नहीं, लेकिन हमने कभी उनके रिश्तेदारों को ना कभी देखा ना कभी उनके बारे में सुना। पर आपने ये तो सुना होगा ना, महिमा भाभी यानी कि नूपुर की माँ, जयकिशन भाई साहब की पहली पत्नी, वो जब जिंदा थी तभी जयकिशन भाई साहब ने गीता से शादी की थी। अरे वो पुरानी बात है, 19-20 साल पहले की बात है। ये जयकिशन जी के पास करोड़ों की प्रॉपर्टी आई कहाँ से? और उसके तुलना में वो यहाँ खुद इतनी खस्ता हालत में रहते थे। तकदीर की बात है, जयकिशन जी इतने पढ़े लिखे भी नहीं थे और दिहाड़ी मजदूर थे। क्या? उनके पिताजी की जमीन थी पर सारी बंजर। पर गीता के आने के बाद समझो हरी भरी हो गई थी। जी यहाँ जब फरीदाबाद के इस इलाके में डेवलपमेंट का काम शुरू हुआ तब चाचा जी की यहाँ पर काफी जमीनें थी। जमीनें एकदम से सोने के भाव की हो गई, कुछ तो उन्होंने बेच दी, कुछ पर बिल्डिंगें बनवाई, किस्मत ही पलट गई उनकी। आपके चाचा जयकिशन जी ने पहली पत्नी महिमा जी के होते हुए दूसरी शादी की गीता जी से, माजरा क्या था? और दूसरी शादी की वजह से परिवार में किसी किस्म की टेंशन नहीं हुई? सर उस वक्त मैं बहुत छोटा था, इतना करीब भी नहीं था चाचा जी के, इसलिए मुझे कुछ ज़्यादा पता नहीं। लेकिन नूपुर के बर्ताव से तो यही जाहिर है कि ज़बरदस्त रंजिश रही होगी, इसीलिए तो उसने पहले सुभाष को मार दिया और अब चाचा चाची को।
साहब ये नूपुर हुडा का पति टेम्पो ड्राइवर कमल रोज पी पाकर घर में हल्ला मचाता है। झगड़ा एक ही बात को लेकर कि बाप इतना रईस था और बेटी नूपुर को एक पैसा नहीं दिया। मारपीट? सर ऐसा तो कुछ पड़ोसी ने नहीं बोला, लेकिन एक बात है कि ये नूपुर भी गुस्से में बहुत भला बुरा सुनाती थी। कभी अपने पति कमल को कोसती तो कभी अपने माँ बाप को कोसती। तो इस कमल का पूरा चिट्ठा निकाल। इस कमल पे मुझे तगड़ा डाउट जा रहा है। दरवाजा किसी जान पहचान वाले के लिए खोला गया, फिर ये कमल तो साला दामाद ठहरा। ऊपर से अक्सर परिवार वाले फोन करके घर नहीं आते। ये भी साला ऐसे धमक गया होगा बिना फोन किए 15 सितंबर की दोपहर को। सुभाष की मौत ज्यादा ड्रग लेने की वजह से हुई थी सर, डॉक्टर के सर्टिफिकेट में भी यही लिखा हुआ है। दरअसल सर हम सब उसे कुछ ज्यादा ही लाड़ करते थे, आप ये कह सकते हैं कि हद से ज्यादा, इसलिए बिगड़ गया था। पढ़ाई वढ़ाई छोड़कर बुरी संगत में पड़ गया था। सुभाष, सुभाष उठ बेटा। ऐसी कोई रात नहीं है जब नशे की हालत में नहीं लौटा। कब घर आया कब सोया कुछ पता ही नहीं चला, एक रोटी तक नहीं खाई बेचारे ने। हम सब ने उसके नशे की लत छुड़वाने की बहुत कोशिश की सर, मैं तो उसे नशा मुक्ति केंद्र भी ले गई थी। हम भर्ती कराते वो भाग आता। आपके पापा जयकिशन दहिया ने आपकी माँ महिमा दहिया के जीते जी दूसरी शादी की, गीता दहिया जी से। सर मेरी माँ लंबे अरसे से बीमार रहा करती थी और पापा की दूसरी शादी के बाद वो चल बसी। और जय किशन जी की दूसरी शादी से काफ़ी तकलीफ हुई होगी आपकी माँ को और आपको भी, नेचुरल है तकलीफ तो हुई होगी। मैम आप मुझ पर फिर से उंगली उठाने की कोशिश करें। आपके पापा जय किशन दहिया आपको अपनी प्रॉपर्टी में से कुछ नहीं देना चाहते थे, सच है। और आपके पापा अपने बेटे सुभाष की मौत का कारण आपको मानते हैं और आपकी सौतेली माँ गीता जी भी। जब मैं 12 साल की थी उस समय माँ काफ़ी बीमार रहा करती थी और पापा को वारिस चाहिए था, एक बेटा जो सभी को चाहिए होता है, मेरे पति को भी चाहिए भले ही हमारे हालात इतने खस्ता है। पापा को बेटा चाहिए था वारिस और मेरी माँ दोबारा माँ नहीं बन सकती थी तो आपके पापा जयकिशन जी को वारिस देने की चाहत पूरी करने के लिए आपकी माँ ने उन्हें दूसरी शादी के लिए हाँ कर दिया। जी माँ ने खुद पापा से कहा था कि वो दूसरी शादी कर ले। और लड़की भी आपकी माँ ही ढूंढ के लाई थी? मेरे पापा के बड़े भाई सुरेंद्र दहिया यानी कि आनंद भैया के पापा वो लेकर आए थे गीता जी को, मेरी सौतेली माँ। भैया मुझे मेरी माँ से बात करनी होगी, पता चला उसे ये ठीक ना लगे। पहले ही तुम बात कर लो जयकिशन, गीता साफ साफ बोली है कि अगर शादी होगी तो ही वो रुकेगी वरना नहीं। ठीक है मैं महिमा से अभी बात कर लेता हूँ। महिमा को इस बात में कोई एतराज नहीं होना चाहिए, वैसे भी वो तुम्हें बेटा नहीं दे सकती। मेरी माँ ने ही रजामंद दे दी थी, मैं भी अपने पापा की शादी में मौजूद थी अपनी माँ के साथ। यहाँ पास के मंदिर में ही शादी हुई थी सर। लोगों ने आपको बहुत कुछ कहा होगा सर कि शादी के बाद ऐसा हुआ वैसा हुआ, पर सच तो ये है कि मैंने और मेरी माँ ने दोनों ने गीता जी को अपनाया था और जब सुभाष हुआ सुभाष को भी, सगा सौतेला जो भी कहें आप, दिल से अपनाया था सर। पर गीता जी आपको अपने बेटे सुभाष का कातिल समझती थी, ये सच है या अफवाह? बदनसीबी से इस अफवाह को गीता जी सच मान बैठे थे सर। क्यों? क्योंकि सुभाष के आने के बाद पापा के जैसे बंजर जमीन पे सोना हो गया हो, लेकिन उसकी मौत के बाद उनके सारे जायदाद की मैं इकलौती वारिस बची। और गीता जी ने ये मान लिया कि उनके बेटे सुभाष को आपने मरवाया उनकी जायदाद के लिए? आप तहकीकात कर सकती हैं मैडम, डॉक्टर के सर्टिफिकेट में लिखा हुआ है कि सुभाष की मौत ज़्यादा ड्रग लेने की वजह से हुई थी, लेकिन शक का कोई सर्टिफिकेट नहीं होता ना सर। अब आप लोगों को ही देख लीजिए, आप लोग मुझ पर शक कर रहे हैं। पर ये तो सच है ना कि सुभाष की मौत आपके घर में ही हुई थी और उस दिन हुई जिस दिन आपकी बेटी निधि का 9वां जन्मदिन था। मैम
सुभाष कहाँ गया? सुभाष भैया अभी यहीं पर ही तो थे। वही तो, सुभाष। अरे फिर से वही तलब तो नहीं लग गई? कमल यार कुछ भी बोलते हो तुम। सुभाष, ए सुभाष, 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 सुभाष बेटा, सुभाष, ए सुभाष, सुभाष बेटा, ए सुभाष, सुभाष बेटा, सुभाष ड्रग का आदि हो चुका था सर। उस दिन भी वो सबसे छुपकर नशा करने गया था। उसकी मौत का मुझे आज भी बहुत दुख है सर। जब मेरी कमल से शादी हुई थी तो सुभाष केवल 6 साल का था। मैंने उसे बच्चे जैसा प्यार किया। और आपकी माँ, असली माँ? वो भी सुभाष को बहुत लाड़ करती थी मैडम। और तब तो मेरे पापा इतने अमीर भी नहीं थे। आपको क्या लगता है मैडम, तब से मैं जादू टोना कर रही थी सुभाष पर, या तब से उसे नशे की आदत डाल रही थी? पर आपके पापा भी तो यही मानते थे कि सुभाष को आपने मरवाया। उनको मेरे खिलाफ भड़काया गया था सर। हाँ, मेरी अक्सर पापा से कहा सुनी हो जाती थी। क्योंकि उन्होंने अपनी दौलत, अपनी जायदाद से आपको कुछ नहीं दिया। सिर्फ इसलिए नहीं सर, बल्कि इसलिए कि उस दौलत का इस्तेमाल उन्होंने खुद के लिए भी नहीं किया। इतना सब कुछ होने के बावजूद फटीचरों जैसे हालत में रहते थे और हम सबको रखा था। देख डॉक्टर, जो भी है मेरा है। मैं किसे क्या दूं क्या ना दूं, इसमें मैं किसी का दखल बर्दाश्त नहीं करूंगा। ठीक है पापा, कम से कम खुद को तो दे दीजिए वो सुख सुविधा जो हर करोड़पति इंसान खुद को देता, अपने घर वालों को देता है। इसलिए तूने मेरे बेटे को मार डाला इन पैसों के लालच में? मैंने कुछ नहीं किया माँ। चुप कर, खबरदार जो मुझे मां कहो तो। मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूं, तुम दोनों को एक दमड़ी नहीं मिलेगी। तुम दोनों मेरी दौलत पर बुरी नजर अब मत डालो। आपकी दौलत पर पहले से बुरी नजर लगी है पापा, तभी तो वहां तिजोरी में पड़ी पड़ी सड़ रही और मैं वहां उस नरक में सड़ रही। आपके मन में एक बार भी ख्याल नहीं आता कि आप अपनी इतनी सारी दौलत से अपनी इकलौती बेटी, उसकी बच्ची, अपने नवासी का भविष्य सुधार सकते? लालच से किसी का भविष्य नहीं बनता है, कभी नहीं। और तू लालची नहीं खूनी भी है। जाकर बोल दे उस कमल को कि तुझे यहां ना भेजा करे, मेरा भेजा खाने, कुछ नहीं मिलेगा तुम दोनों को। सर मेरी सौतेली माँ और मेरे पापा मुझे सुभाष की मौत का जिम्मेदार मानते थे। ये भी सच है कि वो मुझे अपनी जायदाद से कुछ भी नहीं देना चाहते थे। लेकिन अब तो सब कुछ मुझे ही मिलेगा ना सर। पर फिर भी मैं यही कहूंगी कि मैंने उन्हें नहीं मरवाया, ना ही सुभाष को। बचपन में मैंने बहुत गरीबी देखी सर, और आज तो उससे भी ज्यादा गरीब हूँ। शायद मेरी यही गरीबी आप लोगों के मन में मेरे लिए शक पैदा कर रही है। लॉकर से 12 लाख रुपए गायब हुए, पर आप तो कह रहे थे कि करोड़ों थे लॉकर में। तो शायद 12 लाख सिर्फ हमें गुमराह करने के लिए चुराए गए हों। और मैं अच्छे से जानती हूँ कि आप लोगों को गुमराह कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है। कौन बोले नूपुर जी? सर मेरी सौतेली माँ को मेरे ताऊ यानी कि आनंद भैया के पापा लेकर आए थे दंतेवाड़ा के गरीब इलाके गुंजलगढ़ से। हमें उनके अतीत के बारे में रत्ती भर भी जानकारी नहीं, लेकिन ताऊ जी को और फिर आनंद भैया को पापा के एक एक प्रॉपर्टी की खबर थी। अब आप सोचिए कि जो इल्जाम मुझ पे लगाया जा रहा है कि मैंने सुभाष का कत्ल करवाया या मैंने उसे नशे की आदत डाली, इल्जाम आनंद भैया पर भी तो लगाया जा सकता है ना। उनका तो रोज का आना जाना था हमारे घर में, तिजोरी की चाबी भी उनके पास होती थी, पापा ने कहा कितने पैसे रखे सब कुछ मालूम था उन्हें। लेकिन नहीं, आप लोग केवल मुझ पर और मेरे पति पर शक कर रहे। मेरे पापा शायद दिल ही दिल में जानते थे कि मैंने कभी कोई गलत काम नहीं किया। शायद इसीलिए उन्होंने मुझसे कभी इतनी नफरत नहीं की कि अपनी सारी जायदाद आनंद भैया या उनके बेटे मोहित के नाम कर दे। लेकिन आनंद भैया, उनकी पूरी जिंदगी इसी कोशिश में निकल गई कि मेरी भरपूर बदनामी हो और वो समाज के सामने संत नजर आए। सर अगर किसी ने पहले से प्लानिंग की है ना तो वह आनंद भैया, और उससे पहले ताऊ जी। गीता जी को हमारे घर में लाकर मेरी सौतेली माँ। जा मोहित, ये जमा करा दे। जी पापा। जय। बोला ना नहीं, तिजोरी में पुलिस वालों को कोई वसीयत नहीं मिली। तुझे क्या लगता है, तेरे बाप ने कोई वसीयत बनाई नहीं? ना बनाई तो हमारे लिए सबसे अच्छा ना। हो सकता है आनंद भैया के पास हो, वैसे भी बहुत चालाक इंसान है।
एन मौके पर सबके सामने लाकर रख सकते हैं, उनका कोई भरोसा नहीं है। जहां तक नूपुर हुडा की बात है साहब, अभी तक एक भी बंदा ऐसा नहीं मिला जिसके सामने नूपुर ने कभी अपनी जुबान पे जादू टोने की बात लाई हो। नूपुर का पति कमल, उसकी क्या रिपोर्ट है? दारू तो मजबूत पीता है साहब, और दोनों पति पत्नी कुत्ते बिल्ली जैसा झगड़ा करते हैं कि ससुर करोड़पति था और दामाद रोडपति टेम्पो ड्राइवर। और ये जयकिशन का भतीजा आनंद, उसका बेटा मोहित। साहब अभी तक कुछ खुलकर तो सामने नहीं आया, लेकिन एक बात तो कोई अंधा भी बोलेगा, ये दोनों परिवार आनंद दहिया का और नूपुर हुडा का एक ही बात की आस लगाए बैठे थे कि कब ये जयकिशन मर जाए और कब इसके सोने के खान पर ये कब्जा कर सके। मैडम 19 साल पहले यहाँ दंतेवाड़ा से ले जाई गई थी, तो कुछ तो और डिटेल चाहिए। गीता का पूरा नाम क्या था, बाप का नाम, माँ का नाम क्या था? देख सुमित, अभी तक तो हमें ये भी नहीं मालूम कि गीता जी का असली नाम गीता ही था कि कुछ और। जो ये जानते थे वो अब इस दुनिया में नहीं है। मैं काम करती हूँ, तुझे गीता जी की अभी की फोटो भेजती हूँ। अभी की फोटो ठीक रहेगी मैडम। लगता है नूपुर ने आप लोगों पर भी जादू टोने की छड़ी घुमा दी, मुझ पर झूठा इल्जाम लगा दिया। हमें पता चला है कि तुम जयकिशन जी की प्रॉपर्टी पर बराबर नजर रखे हुए थे। सर, नजर रखने और बुरी नजर रखने में जमीन आसमान का फर्क होता है। नजर तो मैंने ही रखी थी, इतने सालों से ईमानदारी से वफादारी से चाचा जी के सारे काम करता था मैं, तो जाहिर सी बात है कि उनके जाने के बाद वो सब कुछ मेरे नाम छोड़ जाते, सारे की सारी प्रॉपर्टी। साफ साफ चाचा जी ने खुद ये मुझसे बात कही थी, गीता चाची के सामने ही कहा था। मैंने बड़ी ईमानदारी से सगे माँ बाप की तरह सेवा की है उनकी, और फिर किराया इकट्ठा करने का काम उन्होंने ऐसे नहीं सौंप दिया था मुझे, एक एक पैसे का हिसाब दिया करता था मैं उनको। आप चाहो तो आप रजिस्टर देख सकते हो, और तिजोरी में 12 लाख रुपए कम थे, ये बात भी तो मैंने ही आपको बताई ना। जयकिशन जी ने कोई वसीयत बनाई थी? जहां तक मुझे पता है नहीं बनाई थी, लेकिन उन्होंने मुझसे बात जरूर की थी बनाने के बारे में, यही कि वो सब कुछ मेरे और मेरे बेटे मोहित के नाम कर देंगे। और उनके जाने के बाद अब ये सारी प्रॉपर्टी नूपुर के नाम ही होगी? हाँ, तो नूपुर के नाम दो दो खून भी तो हैं, उनका क्या? चाचा जी सब कुछ मेरे नाम करने ही वाले थे, उससे पहले नूपुर ने चाल चल दी। लेकिन हमें अभी तक नूपुर के खिलाफ एक भी सबूत नहीं मिला। तो इसीलिए उसके इशारे पर आप मुझ पर साजिश का इल्जाम लगा रहे हैं। हमारे पिताजी सुरेंद्र दहिया, जयकिशन दहिया जी के बड़े भाई, गीता जी को वही लाए थे 19 साल पहले, तो इसी हिसाब से तो हो सकता है साजिश 19 साल पहले हो गई। छोड़िए सर, मेरे पापा तो बेचारे अफसोस करते करते गुजर गए। किस बात का अफसोस? यही कि उन्होंने अपने हिस्से की बंजर जमीन कौड़ियों के दाम बेच दी, और कुछ साल बाद चाचा जी को उसी बंजर जमीन के करोड़ों मिले, वो एकदम से रईस हो गए। मेरे पापा ने भी कुछ सालों तक इंतजार किया होता तो जरा सोचिए आज मैं कहां होता। वैसे तुम्हारे पिताजी सुरेंद्र कहां से लाए थे गीता जी को? रायपुर काफी आना जाना रहता था उनका, वहीं से लेकर आए थे गीता चाची को। लेकिन सर, आप लोग बेकार में अंधी गली में दौड़ लगा रहे हैं, कातिल आप लोगों के सामने है नूपुर, और वो मेरा नाम देकर आप लोगों को गुमराह कर रही है। सर फिंगरप्रिंट्स मिले तो हैं सभी जगह से, तिजोरी से भी, अब हम उन्हें छांटना शुरू करेंगे। रजत, क्राइम सीन की स्टडी से ऐसा लगता नहीं रहा कि कातिल एक से ज्यादा थे। सर एक बार उंगलियों के निशान मैच किए जाएं तभी हम पक्के से कुछ कह सकेंगे। इस कत्ल का मकसद और सस्पेक्ट दोनों हमारे सामने है। हमें इतना भी पता है कि कातिल जो भी है वो इस जोड़े का करीबी है। उन दोनों के गले इतने जोर से दबाए गए इसलिए पूरे चांसेस हैं कि कातिल मेल है। डॉक्टर अश्विन ने हमें लाशों के ऊपर के फिंगरप्रिंट्स भेजे हैं, अब हम उन्हें हमारे कलेक्ट किए फिंगरप्रिंट्स के साथ मैच करके देखेंगे। फिलहाल हमारे सामने 3 मेल सस्पेक्ट हैं, आनंद दहिया का बेटा मोहित दहिया, और जयकिशन की बेटी नूपुर का हस्बैंड कमल हुडा। लेकिन फिलहाल हमारे पास इन तीनों के खिलाफ कोई सबूत नहीं। रजत, इस केस में फिंगरप्रिंट्स हमारे लिए एक बहुत अहम सुराग साबित हो सकते हैं। बस थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं आपको सारे सही एनालिसिस दूंगा। सर, जयकिशन का फोन स्विच ऑन हुआ है, दूसरा सिम लगा के फोन यूज किया जा रहा है, फोन की लोकेशन यही फरीदाबाद की है। हेलो, कौन बोल रहा है? अरे तुम कौन बोल रहे हो भाई? पालमगंज पुलिस थाने से सब इंस्पेक्टर विनोद अग्रवाल बोल रहा हूँ। जी मेरा नाम घनश्याम साहू है। एड्रेस बोलो। साहब यही दोनों फोन मिले थे मुझे। इन दोनों फोन्स के बारे में कई सारी बातें करनी है तुझसे, जो कि फोन पर नहीं हो सकती थी, सिर्फ हमारे लॉकअप में हो सकती है। लेकिन साहब इन फोन्स के बारे में आपको क्या बात करनी है? ये तो मुझे अचानक से मिले थे। कहाँ मिले? लाशों के बगल में, दोनों का गला घोटने के बाद। क्या साहब? शिवराम वो तो जयकिशन का पड़ोसी है ना, मेरी तो बात भी हुई थी उससे। पर इस एंगल के बारे में नहीं बताया होगा उसने,
कौन सा एंगल रमेश? इस एंगल के बारे में ना तो आपसे आनंद दहिया ने बात की होगी और ना ही नूपुर हुडा ने, कि ये जयकिशन और गीता दहिया एक लड़का गोद लेने के बारे में सोच रहे थे। साहब अभी मैं यूं ही नंदलाल और पंडित मिश्रा से बात कर रहा था, तभी मुझे लगा कि लड़का गोद लेने वाली बात मुझे आपको बतानी चाहिए। कहीं बात चली थी? कोई कागज पत्री हुई हो? आपको ये बात कब पता चली? तकरीबन एक महीना पहले। सब कुछ है पर छोड़ जाने के लिए वारिस थे। हाँ और जो था वो बेवक्त। लेकिन जयकिशन तेरी तो सगी बेटी है, नवासी है। वो सिर्फ नाम के वास्ते अपने हैं। ये सभी इसी इंतजार में बैठे हैं कि कब मैं ऊपर चला जाऊं या सारा इन सब के नाम कर दूं। उन्हें मेरी और गीता की कहां पड़ी है? गीता भाभी जी क्या वो भी इस गोद लेने वाले फैसले में शामिल है? ये सुझाव गीता की तरफ से ही आया है। जय किशन ने मुझे कोई नाम तो नहीं बताया था, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि कोई फैसला ले लिया गया है, लेकिन किसे गोद लिया या लेने वाले थे ये उन्होंने मुझे नहीं बताया। ये गोद लेने वाली बात नूपुर और आनंद को मालूम थी? नूपुर का तो मैं बता नहीं सकता साहब, लेकिन आनंद को यह बात शत प्रतिशत पता होनी चाहिए। मालती जी किराया। गोद लेने वाले थे? नहीं तो मुझे ये बात नहीं बताई पापा ने कभी। आपको किसने बताई सर? जिसने बताया नूपुर जी। पर ऐसा क्यों है कि आपके पापा ने यह बात आपको नहीं बताई बल्कि किसी और को बताई? ये सरासर मनगढ़ंत कहानी है सर। अगर आपको आनंद भैया ने बात बताई तो वो झूठ बोल रहे हैं। मेरे पापा मुझसे पूछे बिना इतना बड़ा फैसला ले ही नहीं सकते थे। पर हो सकता है ये फैसला लिया गया नूपुर जी, आपके पापा ने उनकी बात मान ली। हाँ ये मुमकिन है और मुझे पूरा यकीन भी है कि आनंद भैया ने जरूर कोई पट्टी पढ़ाई होगी पापा को या फिर गीता जी ने। वैसे भी वो दोनों पापा को और मुझे अलग करने पे तुले हुए थे। साहब मैं ईमानदारी से टैक्सी चलाता हूँ, कभी कोई गलत काम नहीं किया मैंने। उस दिन मैं वो नेहरू सर्कल के पास शौचालय गया था, वहीं पर दोनों फोन मिले मुझे साहब। पब्लिक टॉयलेट में तुझे एक नहीं दो दो फोन्स मिले, क्या बात है? पट्टी लगी थी उन पर जिस पर लिखा था भैया हम यहाँ लावारिस पड़े हैं हमें चुरा लो। मुझे लगा कि मैं वो दोनों फोन बेच दूंगा और मैं गया भी था बेचने के लिए। मोबाइल की किस दुकान पर गया था? साहब वो यूनिक यूनिक मोबाइल सेंटर। तो फिर बेचा क्यों नहीं? साहब वो दुकानदार ने बोला कि इन दोनों फोनों का कोई पैसा नहीं मिलेगा क्योंकि आजकल स्मार्टफोन का जमाना है और कोई बच्चा भी बतौर खिलौना इस्तेमाल नहीं करेगा। तो मुझे लगा कि मैं इस्तेमाल कर लेता हूँ और जैसे सिम डाल के फोन ऑन किया अब आप लोगों का दामाद बन गया हूँ साहब। दामाद जी बड़ी दिलचस्प कहानी सुनाई आपने, अब हमें हकीकत सुनाइए क्योंकि इन दोनों फोन्स के मालिकों का कत्ल हो चुका है। सर, मेरा कोई हाथ नहीं है साहब इसमें। कातिल जो भी हो इतना तो हम भी जानते हैं कि वो इतना बड़ा बेवकूफ तो नहीं होगा कि विक्टिम का फोन अपने साथ लेकर घूमे। शायद ये घनश्याम सच बोल रहा हो सर। और अब ये गोद लेने वाला नया एंगल सामने आने से सिर्फ नूपुर ही हमारे सस्पेक्ट नहीं है बल्कि हमारा सस्पेक्ट आनंद भी है, क्योंकि नूपुर और आनंद ये दोनों ही वारिस बनना चाहते थे। नक्सल कनेक्शन ये कहाँ से आया सुमित? मैडम पता नहीं कनेक्शन कैसे आया पर मैं यहाँ गीता की फोटो लेकर उसकी फैमिली को खोज रहा था, पूरा गांव घूमा तब एक अजीत वर्मा से टकराया। मार्केट में वर्मा जी का नाम तो सुना ही है आपने, अब पैसा लेके आ जाना। बोलो अजीत वर्मा। हाँ क्या है? हमारे गोंजीलगढ़ में ये गीता थी, कोई 21 साल पहले हरियाणा फरीदाबाद में जा बसी, वहाँ जाकर गीता दहिया हो गई। कुछ सुना है, कुछ पता है इसके बारे में? तू है कौन? वो मैंने सुना है गांव में कि आप गीता को जानते थे। मैं नहीं जानता किसी गीता फीता को, और तू कौन है? मैं वो फरीदाबाद पुलिस की मदद कर रहा हूँ। खबरी ऐसे ही समझ लो। इस अजीत वर्मा का कोई नक्सल कनेक्शन है? मुझे यहाँ की उड़ती चिड़िया ने टिप दी कि अजीत नक्सलियों के साथ मिलता है। जब से मुझसे बात की इसने अपनी दुकान बंद कर दी और अपनी बीवी को लेकर हवा हो गया। इस अजीत वर्मा का कोई नंबर है? हाँ पर बंद जा रहा है। फिर भी भेज मुझे। करोड़ों की जायदाद के मालिक लेकिन जिंदगी जीने का तरीका एकदम फर्टीचर, और फिर बुढ़ापे में बच्चा गोद लेने की पहल, और अब ये नेक्स्ट लाइट एंगल की पॉसिबिलिटी। ये डबल मर्डर केस असल में है क्या? एक चक्रव्यूह जैसा बन गया सर। आनंद ने हमें भेजा नूपुर के पीछे और नूपुर ने पलटवार किया और आनंद को ही संदिग्ध बना दिया।
और सर इन सब एक सबसे बड़ा रहस्य, गीता का पास्ट, जिसके बारे में शायद किसी को कुछ भी नहीं मालूम। इस वक्त हमारे सामने कई सवाल हैं। पहला सवाल, क्या जयकिशन जी ने कोई वसीयत बनाई थी? क्या कोई बच्चा वाकई अडॉप्ट किया गया था, या फिर आनंद और नूपुर ने मिलकर कोई साजिश रची और उस साजिश का गीता जी को पता था, या फिर ये सारी साजिश गीता जी ने रची लेकिन उनकी पीठ पीछे एक और साजिश रची गई जिसके तहत गीता जी को रास्ते से हटा दिया गया। अरे ललित जी सर, इस राहुल ने नौकरी वोकरी छोड़ दिया क्या? कुछ बताया नहीं सर, ड्यूटी पर भी नहीं आ रहा है, उसने फोन भी बंद रखा है सर। पर तुम यहाँ क्या कर रही हो? पहले मुझे ये बताओ, ये गोद लेने वाली बात मुझसे छिपाई क्यों गई? गोद लेने वाली बात? कौन किसे गोद ले रहा है? पापा और गीता जी किसी लड़के को वारिस बनाने वाले थे गोद लेकर, पुलिस को किसी ने बात बताई? तो किसी ने ये तुक्का भगाया? किसने नूपुर? हम इस नतीजे पर पहुंचे थे कि यह किसी अंदर वाले का काम है, वरना कोई लॉकर में पड़ी हुई इतनी भारी रकम को छोड़कर उस रकम का एक छोटा सा हिस्सा लेकर फरार क्यों होता? क्या यह कहानी उन गायब हुए 12 लाख रुपयों के बारे में थी? क्या बाकी की इतनी भारी रकम पीछे छोड़ जाना कोई शातिर चाल थी हमें गुमराह करने की? लॉकर की चाबी कहीं मिली नहीं थी और उस राज की चाबी भी नहीं मिल रही थी जो उस कत्ल के असली मकसद का खुलासा करती। हालांकि सारे के सारे इशारे तो प्रॉपर्टी की तरफ ही हो रहे थे। अजीत वर्मा, मोबाइल शॉप है? हाँ जगन, और हमें अपने सोर्सेस से यह भी पता चला है कि इस अजीत वर्मा का नक्सलियों से कोई कनेक्शन हो सकता है। ठीक है, मैं पता करता हूँ। वैसे जगन, हमारा मतलब गीता से है। गीता जो 19 साल पहले तुम्हारे गोंजलगढ़ से यहाँ फरीदाबाद लाई गई, और यहाँ पर गीता और उसके पति जयकिशन दोनों का मर्डर हो चुका है। ये गीता दहिया गोंजलगढ़ से थी, इसके अलावा कोई और डिटेल सर? नहीं, और कोई डिटेल नहीं, सिर्फ गीता दहिया की एक रिसेंट तस्वीर है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। ठीक है, फोटो भेज दीजिए, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे जानकारी निकलवाने की। सर, गीता दहिया के पिछले एक महीने के फोन रिकॉर्ड्स में कोई अजीत वर्मा शो अप नहीं होता है, और ना ही कोई छत्तीसगढ़ का दूसरा नंबर। तो फिर एक साल के रिकॉर्ड निकलवाओ और फिर से चेक करो, हो सकता है मेरा शक सही साबित हो, शायद गीता इस साजिश में शामिल हो और बाद में ये साजिश बदल दी गई हो। ये लड़का गोद लेने वाला ड्रामा तुमने रचा ना नूपुर, मुझे चाचा जी की प्रॉपर्टी से दूर रखने के लिए? क्या पापा ने कोई वसीयत बनाई थी? तुझे क्यों पता करना है? तुझे चाचा जी एक पैसा नहीं देने वाले थे, तू अच्छी तरह जानती है ये बात। वो तो आपका सपना है ना आनंद भैया, लेकिन हकीकत समझ लीजिए, अब तो पापा रहे नहीं, इसलिए उनकी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम पर होगी और आपको केवल वही टुकड़े मिलेंगे जो मैं आपके मुंह पे फेंकूंगी, समझे? हाँ, ये कुछ दिन पहले आया था यहाँ पे, ये दो मोबाइल्स लेकर। जी, मैंने उसे बोला भी था कि बहुत पुराने मॉडल के हैं, इसके तो खरीदार मिलना भी मुश्किल होगा मुझे, मगर जो उसको रेट बोला था वो मंजूर नहीं था, निकल गया बिना बेचे। इस घनश्याम साहू को तुम कितनी अच्छी तरह से जानते हो? टैक्सी चलाता है, बस इतना ही जानता हूँ। अजीत वर्मा जी, कभी गीता जी ने इस नाम का कोई जिक्र किया? गीता जी के गाँव गोंजलगढ़ का रहने वाला ही अजीत वर्मा। गीता ने तो कभी इस बारे में जिक्र ही नहीं किया, और ना ही कभी उसने अपने मायके के बारे में बात की, ना अच्छी ना बुरी। कभी उन्होंने अपने पति के बारे में कोई बात की, अच्छी या बुरी? जी नहीं। जैसे नूपुर को शिकायत थी अपने करोड़पति पिता से कि उन्होंने उसे कुछ नहीं दिया, क्या पता ऐसी शिकायत गीता जी को अपने पति से कि इतना करोड़पति आदमी, घर का सारा काम उन्हें करना पड़ता है, कोई ऐशो आराम नहीं। हाँ, हो सकता है, और किसको नहीं होगा भला, पर कभी भी हमने गीता को महंगी साड़ी पहने या महंगे गहने पहने हुए नहीं देखा, हमेशा से उसका कान गला सुना सुना ही रहता था, वही दो जोड़े कपड़े, पर कभी भी उसने इस बारे में शिकायत तक नहीं की। और जयकिशन जी ने कौन सी लाट साहब वाली जिंदगी जी, बसों में सफर करते थे, छोटी चीज खरीदनी हो तो उसका भी मोल भाव करते थे। ये आनंद दैया, इसका बेटा मोहित, इसके बारे में आप लोगों ने कभी कुछ सुना? नमस्ते राम राम वाली पहचान है, और कुछ खास नहीं। मैंने अपने चाचा जी के खाते से गबन किया है, ये कह रहे हैं आप? ऐसा आप कह रहे हैं,
मैंने तो सिर्फ जयकिशन जी और गीता जी के बैंक के डिटेल्स मांगे, अकाउंट्स, लॉकर। वैसे आप इतना हड़बड़ा क्यों रहे? मैं क्यों हड़बड़ाने लगा? मुझे तो बस इस बात का ताज्जुब हो रहा है कि नुपुर आप लोगों को मेरे खिलाफ भड़का रही है और आप बस भड़के जा रहे हो। जब हम भड़केंगे तब आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा, क्योंकि तब ये बातें फोन पर कतई नहीं होंगी। दरअसल तब बातें होंगी ही नहीं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप मुझे धमका रहे हैं? और मुझे लग रहा है कि चोर की दाढ़ी में तिनका फंसा है। ये बैंक खाते के डिटेल्स, ये प्रॉपर्टी के कागजात और किराए के खाते सब कुछ है। जो 12 लाख रुपए कम है, अगर उसके अलावा एक पैसा भी यहां से वहां नजर आ जाए तो फांसी पर चढ़ा दीजिएगा मुझे। और वसीयत कहां है? मैं आपसे पहले ही बता चुका हूं कि वसीयत नहीं है। चाचा जी मुझसे बिना पूछे कि एफडी तो बनवाते नहीं थे, वसीयत क्या बनाते। और एक बात और बता दूं, ये जो बच्चा गोद लेने का ड्रामा हो रहा है ना, ये सब मनगढ़ंत है, ये नुपुर की रची हुई चाल है। आनंद, हमें पता है क्या लगता है? मुझे पता है आप लोगों को लगता है कि चाचा चाची का कत्ल मैंने ही किया है और मैंने ही 12 लाख रुपए चुराए। नहीं, बल्कि हमें लगता है कि तुमने और नुपुर दोनों ने मिलकर कोई साजिश रची और तुम्हारी इस साजिश में छत्तीसगढ़ के गोंजिलगढ़ का कोई अजीत वर्मा भी शामिल था, शायद गीता दैया भी शामिल थी, और निशाना थे तुम्हारे चाचा या किशन दैया, जो किसी पर भरोसा नहीं करते थे, किसी को अपनी प्रॉपर्टी सूंघने तक नहीं देते थे। इसलिए तुमने और नुपुर दोनों ने सोचा क्यों ना प्रॉपर्टी आधी आधी बांट ले। इसलिए जयकिशन जी के साथ साथ गीता जी को भी रास्ते से हटा दिया गया। इससे बड़ी बकवास मैंने आज तक नहीं सुनी अपनी जिंदगी में। पर हम हर रोज सुनते हैं और देखते भी हैं, सांप और नेवले को हाथ मिलाते हुए। आनंद भैया, पैसे में बड़ी ताकत होती है, पैसा बड़ों बड़ों को लालची बना देता है। तुम लोग जितने भी हो ना, सर से लेकर पांव तक लालच में धंसे हुए। मेरी ईमानदारी का ये फल मिलेगा, कभी सोचा नहीं था मैंने। ए आनंद, ये जो तेरी ईमानदारी की सीढ़ी है ना, उसे जाकर कहीं और बजाना। ये बात छुपी नहीं थी कि जयकिशन जी नूपुर से खफा थे, और ये बात भी काफी जाहिर थी कि जयकिशन जी तुझसे भी कोई बहुत ज्यादा खुश नहीं थे। तू उनकी प्रॉपर्टी का बहुत ज्यादा फायदा उठा रहा था, और ये जो तेरा ईमानदारी का नाटक है ना, अब उसका पर्दाफाश हो चुका है। आनंद, मिस्त्री राम भजन ने जयकिशन जी से डायरेक्ट बात क्या कर ली दुकान खरीदने के बारे में? तू तो मतलब जलकर राख हो गया। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बिना पूछे सीधे चाचा जी से बात करने की? और ऐसी क्या पट्टी पढ़ा दी तूने जो वो दुकान तुझे आधे दाम में बेचने को तैयार हो गए? आनंद जी, कोई पट्टी नहीं पढ़ाई हमने। देखिए, जयकिशन जी से हमारा संबंध तब से है जब हम काम की तलाश में बाजार में एक साथ खड़े रहते थे दिहाड़ी के लिए। और तुम आज भी वहीं खड़े रहते हो, और वो पूरे बाजार के मालिक हैं। तुम्हारी औकात नहीं उनसे सीधे बात करने की। हमने तो खाली दरख्वास्त की थी जयकिशन जी से, अब अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप सीधे जयकिशन जी से मिल लीजिए, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। आनंद, मैं कह रहा हूं ना, दुकान राम भजन के नाम कर दो। लेकिन चाचा जी, हमें इस दुकान के 7.5 लाख तक मिल सकते हैं, मैं 8 लाख भी दिलवा सकता हूं, और आप इस दुकान को राम भजन को 4 लाख में दे रहे हैं। ऊपर से वो अभी सिर्फ 2 लाख रुपए दे रहा है, बाकी के रुपए कब देगा? देगा या नहीं देगा ये भी नहीं कह सकते। इस वक्त मैं तुमसे जो कह रहा हूं वो करो, ये बेकार की बहस मुझसे मत करो। आनंद, आप गलत कर रहे हैं चाचा जी। अब गलत सही तू मुझे समझाएगा। चाचा जी, अगर आपने ये दुकान एक बार उसके नाम ट्रांसफर कर दी ना, तो वो बाकी के पैसे कभी नहीं देगा। 2 लाख का नुकसान मेरा होगा ना, तेरी जेब से तो पैसा नहीं जा रहा। आज का आज दुकान उसके नाम ट्रांसफर कर दो। सिर्फ इसलिए क्योंकि राम भजन आपके साथ दिहाड़ी मजदूर था कभी? सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उस वक्त मेरे साथ खड़ा था जब मेरे पास दौलत नहीं थी। राम भजन ने बताया हमें तूने कमीशन मांगा उससे। आनंद भैया, तू जितना खुद को बता रहा ना, उतना भी दूध का धुला हुआ नहीं है। लेकिन दाल में उतना भी काला नहीं है जितना आप लोग खोज रहे हैं। अगर नूपुर की सुनते रहेंगे ना, तो केस सुनवाई तक भी नहीं पहुंचेगा, उसी के बुने जाल में फंसते चले जाएंगे। देखते हैं इन कागजात में कितनी सच्चाई है और कितनी बुनाई, कौन धसा हुआ है और कौन फंसा रहा है। सगा भतीजा उनका, खून उनका, जी जला जला कर इतने सालों तक सेवा की उनकी, डट कर खड़ा रहा उनके साथ, सब कुछ संभाला उनका। अगर गोद लेना ही था तो मुझे ले लेते, हमारे मोहित को ले लेते। क्या चाचा चाची सच में किसी को गोद लेने वाले थे? मुझे नहीं पता, इसलिए और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा है कि इतनी बड़ी साजिश मेरी पीठ पीछे हो कैसे गई। मैंने अपनी सारी जिंदगी बिता दी इस विरासत के लिए, इस पर सिर्फ मेरा हक है, सिर्फ मेरा। तो
हमें सब कुछ मिलेगा कि नहीं? मुझे नहीं पता, पुलिस तहकीकात कर रही है। क्या तहकीकात कर रही है पुलिस? किराया तो आज भी आनंद ही जमा कर रहा है। मैं कह रहा हूँ ये पुलिस के हाथ गर्म करके सारा गेस्ट अंडा कर देगा। तो मुझे तो लेने के देने पड़ गए ना कमल। पहले सब कहते थे कि भाई को खा गई, अब कहते हैं कि बाप और सौतेली माँ को खा गई। दुनिया की सबसे बुरी औरत बना के रख दिया मुझे दुनिया वालों। यार ये दुनिया वालों के ऐसे की तैसी। यार देख, इससे पहले कि आनंद कुछ करे, तेरे बाप की जायदाद पर हक जताए, तू सारी की सारी लगाम अपने हाथ में ले ले। इस दौलत को हासिल करने का सपना हमने कब से देखा है नूपुर? सपना सपना था ये श्राप जो हमने खुद को दिया है कमल। एक के बाद एक बुरा ही होता आया है। क्या ये सब ऐसे होना जरूरी था? एक मिनट, ये तेरा रोना धोना बंद कर, बस बंद कर। तू एक बार ना बस पैसे आ जाने दे, गरम गरम करारे करारे नोट, फिर देख तू अपनी जिंदगी की सूरत कैसे बदलेगी। ये सारा पैसा जो साला यूं ही पड़ा था, किसी काम का नहीं था, हमारे काम आएगा। एक अच्छा घर होगा, अच्छी जिंदगी होगी, अच्छा रहन सहन होगा, खाना पीना होगा। इस आराम की जिंदगी और हमारे बीच कोई भी नहीं आ सकता और कोई कुछ नहीं कर सकता नूपुर। जयकिशन दैया और गीता दैया के नाम के हर एक बैंक खाते की छानबीन हुई। दैया परिवार की सारी प्रॉपर्टीज की रजिस्ट्रीज खंगाली गई। गोंजिलगढ़ से हमें कोई ठोस सुराग मिलना अभी भी बाकी था। सर, इस अजीत वर्मा को लोग यहाँ गोंजिलगढ़ में जानते तो हैं, पर इसका नक्सलियों से क्या ताल्लुक है ये बताने से इनकार कर रहे हैं। जगन, जितना जोर लगा सकते हो लगा दो, सिर्फ यही एक एंगल है जो हमें इस केस में ब्रेक थ्रू दिला सकता है। गीता दैया के बारे में कोई खबर? सर, गीता दैया ने 19 साल पहले अपना गांव छोड़ा था, उसके बाद एक बार भी नहीं लौटी। अब या तो यहां लोगों को वाकई में कुछ याद नहीं या फिर जानबूझकर कुछ छुपा रहे। हमने गीता दैया के एक साल पहले के कॉल रिकॉर्ड्स मंगवाए। जब तक कॉल रिकॉर्ड्स आते हैं तुम लोग घुस जाओ, गोंजिलगढ़ के अंदर तक घुस जाओ। हमें गहरा शक है कि विक्टिम नंबर 2 गीता दैया इस साजिश की रचनाकार हो सकती है। अब ये कितना सच है ये हमें अजीत वर्मा ही बता सकता है। किसी भी कोने से कोई भी ऐसी खबर नहीं आ रही थी जो हमें अंदेशा दे सके कि 15 सितंबर की दोपहर को जयकिशन और गीता दैया के घर में कौन आया था। वो कौन जाना पहचाना शख्स था जिसका खान पान से स्वागत किया था उन्होंने और जिसने उन्हें मौत के घाट उतार दी। और अब हमारे सामने आने वाली थी एक और विचित्र पुखलाने वाली हकीकत। सर, हमने क्राइम सीन और जयकिशन दैया की डेड बॉडी के ऊपर से मिले हुए सारे फिंगरप्रिंट्स को मैच किए हैं। एक सेट ऑफ फिंगरप्रिंट्स मिले हैं जो दोनों जगह सेम हैं और ये किसी मेल के हैं। हमारे किसी भी सस्पेक्ट के फिंगरप्रिंट से मैच करते हैं। सर, आपने हमें आनंद दैया, उसके बेटे मोहित दैया और नूपुर के पति कमल हुडा के फिंगरप्रिंट्स भेजे थे, लेकिन ये फिंगरप्रिंट्स इन तीनों में से किसी से मैच नहीं करते हैं। तो फिर कौन हो सकता रजत? हमने नूपुर, उसके पति कमल, आनंद, उसके बेटे मोहित सबके कॉल रिकॉर्ड्स बड़े बारीकी से खंगाले, लेकिन किसी का भी किसी पेशेवर हत्यारे से कोई कनेक्शन बन नहीं रहा। सर, जैसा कि आप बता रहे थे, शायद गीता दैया की तरफ से कोई हो। सर, ये दोनों पार्टी आनंद और नूपुर पे हमारी चील जैसी नजर है, पर दोनों घरों में एक ही रोना है सर कि जायदाद अगले को ना मिले। और कत्ल की साजिश का कोई जिक्र नहीं हुआ कि किसी जान पहचान वाले को भेजाओ या जान पहचान करवाई हो जयकिशन और गीता से कुछ दिन पहले से? नहीं मालिक, ऐसा कुछ भी नहीं। और वो पियक्कर कमल भी शराब के नशे में आकर ऐसा कुछ भी नहीं कहा हो जिससे हमें शक हो सके। इस जयकिशन के कई फ्लैट्स और दुकानें किराए पर, पता कर हाल ही में कौन सा किराएदार 15 सितंबर से कुछ दिन पहले या बाद में घर छोड़कर गायब हुआ है। हो सकता है कि आनंद ने किसी किराएदार से ये काम करवाया हो, उसे कहा होगा 12 लाख की रकम गायब कर देना, सुपारी की रकम। अब किराएदार होगा तो मकान मालिक उसे जानता भी होगा, इसलिए घर के अंदर आने दिया होगा। तीन नंबर्स हैं, कई महीने पहले के हैं। मुझे इन तीनों नंबर के रिकॉर्ड्स और कस्टमर की एक एक डिटेल चाहिए आज ही। मैं आपको तीनों नंबर्स अभी के अभी मैसेज करूँ। ये अजीत वर्मा, इसे हम जानते हैं, ये फरार है। और ये मनोहर सोंटा और सुधीर पटेल। और सर, इन तीनों का एड्रेस गोंजिलगढ़ का है। अजीब है सर, आनंद और नूपुर ये दोनों ही गीता के बैकग्राउंड के बारे में कुछ नहीं जानते थे, जबकि गीता अपने गांव के लोगों के टच में थी। और सर, ये अजीत वर्मा, जैसे ही इसे पता चला कि हम इसे ढूंढ रहे हैं, इसने अपना फोन स्विच ऑफ कर लिया। और मनोहर सोंटा, इसका भी फोन स्विच ऑफ है। और सर, ये सुधीर पटेल, इसका फोन ऑन है, पर अभी तक मैंने इसे कॉल नहीं किया। और हम कॉल करेंगे भी नहीं, हम सीधे गोंजिलगढ़ के लिए रवाना होंगे,
वहां के पीएसआई जगन को कहेंगे कि सुधीर पटेल को लोकेट करे और इस पर नजर रखवाए। मैं जगन को इन्फॉर्म करता हूँ सर। सारिका सर, तुम पता करो कि तीनों नंबर जिनके टच में गीता थी, जब ये फोन स्विच ऑफ हुए तब इनकी लोकेशन क्या थी, और कत्ल की दोपहर 15 सितंबर को इनकी लोकेशन क्या थी। राइट सर। और ये भी पता करो कि इन तीनों नंबर्स का आनंद और नूपुर से कोई कनेक्शन है, अगर है तो। बिल बुक देना। जी सर। सर, सुधीर पटेल का पता चल गया, यहीं गुंजलगढ़ में जौहरी की दुकान चलाता है, हमारे आदमी उस पर नजर रखे। उठा लो उसे। सर ये तो गीता लगती है। लगती नहीं, गीता ही है। और 11 जून 2016 को 4 महीने पहले तुम्हारी इससे बात हुई थी, और उसके बाद 4 बार बात हुई। हाँ साहब, बात तो हुई थी, पर माजरा क्या है साहब? गीता ठीक तो है? गीता मर चुकी है। क्या? गीता दैया और उसके पति जयकिशन दैया दोनों का कत्ल हो चुका। क्या हो गया ये सब गीता के साथ ये? पर आप लोग मुझे क्यों उठा के लाए यहाँ पे? तुम गीता को कैसे जानते हो? साहब गीता हमारे साथ स्कूल में पढ़ती थी, फिर उसके माँ बाप चल बसे तो वो अकेली रह गई। ये कुछ 19 साल पहले की बात है। फिर एक दिन अचानक गीता भी कहीं चली गई, किसी को पता नहीं चला वो कहाँ चली गई। और फिर अचानक 19 साल बाद गीता ने तुम्हें फोन किया, इत्तेफाक? हाँ साहब, इत्तेफाक ही तो था। मेरा एक कारीगर है चंदर, जो फरीदाबाद गया था एक काम से, तो इत्तेफाक से गीता उससे टकरा गई, और जब उसे पता चला कि वो मेरा आदमी है तो उसने उससे मेरा नंबर ले लिया और मुझे फोन किया। हेलो। हेलो, सुधीर पटेल। हाँ सुधीर बोल रहा हूँ, आप कौन बोल रहे हैं मैडम? मैं गीता। कौन गीता? सोंटा, गीता सोंटा। हम एक ही क्लास में थे, याद आया कुछ? अरे 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 गीता, अरे बाप रे, इतने सालों बाद। तुम कैसे हो सुधीर, सब ठीक तो है? हाँ हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम बताओ कहाँ गायब हुई थी तुम? रायपुर चली गई थी, वहाँ एक साहब थे उन्हीं के यहाँ काम करती थी, बस वही अपने साथ मुझे फरीदाबाद ले आए। बहुत लंबी कहानी है, बताऊंगी कभी। पिछले 19 सालों से फरीदाबाद में ही हूँ, यहाँ मेरी शादी हो गई थी। फरीदाबाद? वहाँ पे तो मेरा कारीगर गया हुआ है काम से। तुम्हारे कारीगर से ही तो तुम्हारा नंबर मिला, वो बाजार में किसी से बात कर रहा था, उसने गोंजिलगढ़ का नाम दिया। मैंने जैसे ही अपने गांव का नाम सुना तुरंत उससे बात की, तो उससे पता चला वो तो तुम्हारे ही वहाँ काम करता है। मैंने उससे तुम्हारा नंबर लिया और तुरंत फ़ोन घुमा दिया। इतने सालों बाद अपने गांव के किसी से बात कर रही हूँ। सुधीर, मनोहर और अजीत कैसे हैं? गांव में ही हैं या? हाँ सब यहीं हैं। दोनों का नंबर दो ना मुझे। फिर उसके बाद 2-3 बार मेरी बात हुई थी गीता से, मैंने एक ही बार कॉल किया था वो मनोहर और अजीत का नंबर देने के लिए। ये मनोहर सोंटा गीता का दूर का रिश्तेदार है, आप कजिन कह सकते हैं उसे, और अजीत वर्मा हमारे साथ स्कूल में था, हम सब दोस्त थे। ये अजीत वर्मा, ये गीता का नाम सुन के गायब हो गया, और मनोहर सोंटा ने अपना फ़ोन स्विच ऑफ करके रखा, क्यों? मैं क्या जाऊँ साहब, वैसे मनोहर मुझे दिखा था साहब 2 हफ्ते पहले मार्केट में, मेरी बात भी हुई थी उससे। और अजीत से? क्या अजीत की तरह तू भी मिला नक्सलियों के साथ? छोटा मोटा व्यापारी हूँ मालिक, देखिए झूठ नहीं बोलूंगा, हर व्यापारी की तरह मैं भी हफ्ता भरता हूँ नक्सलियों को, आप जानते हैं क्या कैसे होता है, पर इससे आगे मेरा उनसे कोई संबंध नहीं है। ये अजीत वर्मा और मनोहर सोंटा, ये गए थे फरीदाबाद? इतना पता है मनोहर गया था गीता से मिलने, उसके बाद अगस्त में उसकी बेटी की शादी हुई, बहुत धूमधाम से की थी उसने अपनी बेटी की शादी, 2 सेट जेवरात बनवाए थे उसने मेरे यहाँ से। तब तो मुझे नहीं खनका, पर बाद में ख्याल आया कि पहले तो अपना राशन पानी भी बहुत मुश्किल से जुटा पाता था मनोहर,
और अब तो शादी से पहले उसने घर की मरम्मत भी करवा ली थी। समझ नहीं आया इतना पैसा आया कहाँ से मनोहर के पास। मनोहर के हाथ ये जो पैसा लगा था फरीदाबाद से लौटने के बाद उसके पास ये पैसा आया था। मनोहर शायद जुलाई में गया था फरीदाबाद 3-4 दिनों के लिए, उसके बाद अगस्त में उसकी बेटी की शादी हुई थी, तो हाँ आप ऐसा कह सकते हैं। पर सच कह रहा हूँ साहब, आपके बोलने के बाद ही 2 और 2 4 हो रहे हैं। ये मनोहर जा कहाँ सकता है, कहाँ छुप सकता है ये? मैं क्या जानूँ, लेकिन साहब क्या मनोहर फरीदाबाद से इतने पैसे लाया था, लाखों? और क्या ये गीता के पास इतने पैसे थे? जब आप लोगों ने मनोहर पे नजर रखने के लिए कहा तो हम फौरन उसके घर पहुंचे। घर पे ताला लगा हुआ था। पड़ोसों से पता चला कि मनोहर और उसकी बीवी कई दिनों से दिखाई नहीं दिए। सलाम साहब, साहब मैं सुमित, मैंने ही आपको उस अजीत वर्मा की टिप दी थी। ये मनोहर सोंटा है, इससे भी बात हुई थी तेरी गीता के मर्डर को लेकर? नहीं साहब। इस मनोहर सोंटे के पीछे हाथ धोकर पड़ जाओ, पता करो कि ये कहाँ जा सकता है, कहाँ छुपा हो सकता है। जब ये फरीदाबाद से आया था तो शायद इसके पास बहुत ज्यादा पैसे थे, उन्हीं पैसों से इसने अपने घर की मरम्मत कराई और अपनी बेटी की शादी भी करवाई। पता करो इसकी बेटी की शादी कौन से गांव में हुई। इस मनोहर सोंटे का मिलना हमारे लिए बहुत जरूरी। सर, फोन रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग मनोहर सोंटा, अजीत वर्मा और सुधीर पटेल, इन तीनों का नूपुर और आनंद के साथ कोई कनेक्शन नहीं दिख रहा है। सुधीर पटेल का कहना है कि ये मनोहर सोंटा जुलाई में फरीदाबाद आया था गीता से मिलने। करेक्ट है सर, फोन रिकॉर्ड्स तो यही कहते हैं। पर सर, पिछले 3 महीनों में अजीत और सुधीर का फोन लोकेशन फरीदाबाद नहीं दिखा है। सुधीर पटेल की बैकग्राउंड हमने चेक की है, लेकिन ये अजीत वर्मा अभी भी फरार है। और ये मनोहर सोंटा, जब ये फरीदाबाद से लौटा था तो इसके पास बहुत सारे पैसे थे। हो सकता है इसे आनंद या नूपुर ने खरीद लिया। पूरे चांसेस हैं कि इसे आनंद ने खरीदा हो। पर सर, 15 सितंबर की दोपहर से ना ही सुधीर और ना ही अजीत का फोन लोकेशन फरीदाबाद शो कर रहा है। लेकिन सर, मनोहर सोंटा, इसका फोन सितंबर महीने के 3रे हफ्ते से स्विच ऑफ आ रहा है। इन तीनों के नंबर्स और फोन की ट्रैकिंग जारी रखो। ये भी हो सकता है ये काम अजीत या मनोहर ने अपने किसी जान पहचान वाले से करवाया। सर, जगन का फोन है, वो कह रहा है कि हम पर नक्सली हमला हो सकता है। हाँ जगन बोलो। सर एक खबर आई है, बुरी खबर है। बोलो। सर, उम्मीद की जा रही थी कि अजीत वर्मा के बारे में कोई खबर होगी, लेकिन टिप मिली है कि नक्सली हमला होने वाला है। बाहर से जो साहब लोग आए उनको बोलो तुरंत लौट जाए, वरना लाल सलाम हो जाएगा उनका। लेकिन क्यों? पता नहीं साहब जी, कल दल के सरदार के पास वो दो बाहर वाले साहब लोगों की तस्वीरें थी। कहीं इसमें अजीत वर्मा का हाथ तो नहीं संतरा? मैं किसी अजीत वर्मा को नहीं जानता साहब जी, आप टिप दे रहे हैं इसीलिए बता रहा हूँ। मेरी खबर पक्की है, कभी भी हमला हो सकता है बड़ा वाला। और टारगेट आप और विनोद दोनों है। जगन अब हम पीछे तो नहीं हटने वाले। सर प्लीज, सिर्फ अभी के लिए एक कदम पीछे हटा लीजिए। सर जब तक आपके पास फोर्स पहुंचेगी देर हो सकती है, वक्त सही नहीं, इसलिए कह रहा हूँ। सिर्फ अभी के लिए आप प्लीज वापस लौट जाइए। हम वापस नहीं जाएंगे, तुम एक टीम तुरंत भेजो, 1 तीर से 2 निशाने लगेंगे। ये नकली टोली भी मिलेगी और ये अजीत वर्मा भी। सर इतना आसान नहीं है। अजीत वर्मा इस अटैक के पीछे है या नहीं ये बात अभी कंफर्म नहीं है, और इस अटैक के नतीजे काफी घातक हो सकते हैं। प्लीज मेरी सिचुएशन समझे, मैं आपसे वादा करता हूँ आपको अजीत और मनोहर दोनों ला कर दूंगा। सर एक कवर टीम भेज रहा हूँ, आप प्लीज वापस लौट जाइए। सर हमारा यहाँ रुककर नक्सलियों का सामना करना बनता तो है, लेकिन हमारा ऐसा करना जगन की पोजीशन के लिए खतरा हो सकता है। लौटे तो खाली हाथ थे, पर एक चीज पक्का समझ आ गई थी कि इस डबल मर्डर केस का गीता के गांव गोंजलगढ़ के साथ जरूर कोई ना कोई ताल्लुक था जो वो 19 साल पहले छोड़ाई थी। मनोहर सोंटा, अजीत वर्मा और सुधीर पटेल, इन तीनों के बारे में मैंने नूपुर और आनंद से पूछा, सर साफ साफ मना कर दिया, नहीं जानते। और वैसे भी हाँ तो वो करेंगे नहीं। पर जिस तरीके से हम पर अटैक प्लान हुआ उससे तो लगता है कि अजीत वर्मा जरूर शामिल है, और इस वक्त ये मनोहर भी गायब है। सर केस का क्रैक तो अभी भी बहुत दूर है, लेकिन हम लौट कर उसी रास्ते पर आ गए जहाँ से हमने शुरुआत की थी, प्रॉपर्टी। अब ये कातिल हमें बता सकता है कि सुपारी किसने दी और साजिश किसने रची, नूपुर ने, आनंद ने या गीता ने, या फिर ये तीनों शामिल थे और एंड मौके पर गीता के साथ धोखा हुआ। सारिका सर, इन तीनों का फरीदाबाद में गीता के अलावा किसी और से कोई कॉन्टेक्ट नहीं हुआ? एक कॉल है सर, मनोहर सोंटा ने किया था जुलाई में फरीदाबाद आने से पहले। वैसे अभी ये फोन स्विच ऑफ है, इसकी डिटेल्स और लोकेशन मंगवाई मैंने। हम बिल्कुल सही रास्ते पर है, पर मंजिल अभी भी काफी दूर है। सुनिए, आप एक बार नूपुर से बात तो कीजिए, अभी तक आप ही सब कुछ संभालते आए हैं,
नुपुर को आपकी मदद की जरूरत तो पड़ेगी, वो अकेले ये सब नहीं संभाल पाएगी। आधी से ज्यादा जिंदगी बीत गई चाचा चाची को झेलने में, अब इस नुपुर को भी झेलूं? मैं नहीं जाने वाला उसके पास, उसे आने दो कागजात मांगते हुए। इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगा, मेरा हक है, सालों की मेहनत है, जाया तो नहीं जाने दूंगा। लंबे अरसे तक न मनोहर सोंटा हाथ लगा और ना ही अजीत वर्मा। ऐसा लगने लगा था कि हम इन दोनों तक कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे, पर बहुत जल्द इस केस में हलचल होती दिखाई दी। अजीत, तुझे पता है तुझे ठोकना हमारे लिए कितना आसान है, ऊपर से इनाम मिलेगा वो अलग, पर तुझे जिंदा सिर्फ ये जानने के लिए रखा है कि फरीदाबाद के गीता दहिया और उसके पति जयकिशन दहिया के मर्डर केस की सुपारी सिर्फ तुझे दी गई थी या फिर तुझे और मनोहर दोनों को? किसी से कोई सुपारी नहीं मिली थी साहब, मैं तो गीता से कभी मिला ही नहीं। मिला ही नहीं? साले, तुझे मार नहीं रहे इसका मतलब ये नहीं कि तुझे जिंदा रखेंगे, पूरी जिंदगी तड़पेगा वो हल करेंगे तेरा। यकीन करो साहब, सच बोल रहा हूँ, गीता को गोंजलगढ़ छोड़ने के बाद मैं उसे कभी नहीं मिला सब। उसकी मौत की खबर तो आप लोगों से मिली है अभी। बेटा, गीता से सिर्फ दो बार फोन पे बात हुई थी सब, सिर्फ दो बार, जब सुधीर ने मेरा नंबर उसे दे दिया तभी। 19 साल पहले काफी पसंद करता था मैं उसको। गीता, अरे कहां हवा हो गई थी तुम, इतने सालों बाद तुम्हारी आवाज सुन रहा हूं। बस नसीब अजीत, पर इतने सालों में एक दिन ऐसा नहीं गुजरा जब मैंने तुम सबको याद ना किया हो। शादी हो गई तुम्हारी? एक बेटी है तुम्हारी? शादी के लालच में तो इतनी दूर आई थी यहाँ फरीदाबाद, एक बेटा भी था सुभाष, पर अब नहीं रहा। क्या हुआ? उसे उसकी सौतेली बड़ी बहन के लालच ने मार डाला अजीत। पता नहीं मुझे आके क्या मिला, एक सुरक्षित जिंदगी के लिए मैंने बिना शादी के बच्चा करने से इनकार कर दिया। बस एक यही शर्त थी, मेरी शादी हो, परिवार हो, इसलिए तो शादी की थी। खैर, तू ठीक तो है ना? बस गुजारा हो जाता है, कभी ऐसा लगता है जैसे सब कुछ होने के बावजूद कुछ भी नहीं है। मेरी भी हालत कुछ ऐसी ही गीता, कहने को तो एक मोबाइल की दुकान लगा रखी है लेकिन मुनाफा ना के बराबर है। मेरी मनोहर से बात हुई थी, मैंने उससे कहा था हो सके तो मिलने फरीदाबाद आ जाना, तुम आओगे कभी? दुकान किसी के भरोसे नहीं छोड़ सकता ना, लेकिन हम बात करेंगे। ऐसे ही दो बार बात हुई थी गीता से। फिर गीता का नाम सुनते भाग क्यों खड़ा हुआ था? वो तो मैं डर गया था साहब कि फरीदाबाद की पुलिस मुझे क्यों पूछ रही है, वो भी गीता के बारे में। गीता मर गई है तो आपसे मुझे पता चला अभी, वो आया था ना खबरी, उसको भी मैंने कुछ पूछा नहीं था, मैं डर गया था साहब इसलिए मैं भाग गया। और भागकर तूने अपने नक्सली आकाओं से बोल दिया कि फरीदाबाद पुलिस पर धावा बोलते हैं। वो तो नक्सलियों को ही लगा था कि आप लोग पूरी फौज लेके जंगल में घुसेंगे। वो भी होगा, बहुत जल्दी होगा, पर फिलहाल तो ये बता कि गीता और जयकिशन डबल मर्डर केस में तेरा क्या हाथ है? सच बोल रहा हूँ साहब, मैं कुछ नहीं जानता। एक मौका और दे रहा हूँ, सोच ले। सब वो मनोहर गया था गीता से मिलने के लिए, वो तो उसके रिश्ते में भी लगता है। वो हम जानते हैं, आगे बोल। आने के बाद बहुत पैसा खर्च कर रहा था साहब, तो कहीं उसे ने तो नहीं। तो कुछ नया नहीं बोल रहा? इससे आगे कुछ नहीं जानता साहब। विष्णु, एक एक हड्डी एक एक पसली प्यार से कूट। साहब सच बोल रहा हूँ साहब, साहब यकीन करो मेरा साहब, इससे आगे कुछ नहीं जानता साहब। साहब विनोद, इस अजीत वर्मा की इतनी फील्डिंग की हमने और जब हाथ लगा तो इसे कुछ नहीं मालूम। ऐसा कैसे हो सकता है जगन, बुलवाओ साले से। कल शाम से इसकी कुटाई हो रही है, अभी भी चल रही है। अगर ये डबल मर्डर केस में इन्वॉल्व होता तो अब तक पक्का टूट चुका होता। वैसे मनोहर को भी ढूंढ रहे हैं, उम्मीद करते हैं जल्दी हमारी हिरासत में होगा। फिर अंधी गली सर, अंधेरे में ही सही, पर हम आगे तो बढ़े। अभी तक हम गीता के बैकग्राउंड से यही पता लगा पा रहे थे कि गीता अपने गांव के लोगों को बहुत मिस कर रही, पर ये केस आखिर है क्या, यहाँ पर हर सुराग अंधी गली में जाकर दम तोड़ रहा। अब नए सुराग सर उठाने लगे,
फरीदाबाद से तो गोंजलगढ़ से। हाँ जगत सर, अच्छी खबर है, मनोहर को धर लिया गया उसी के घर से। क्या हुआ साहब? साहब मैंने क्या किया है साहब? क्यों ले जा रहे हो मुझे पकड़ के? ये तो वाकई अच्छी खबर, हम अभी निकल रहे हैं। गुरप्रीत आहूजा जी, मैं ही हूँ। तो मनोहर सोंटा को कैसे जानते हो? नहीं मैडम, मैं किसी मनोहर सोंटा को नहीं जानता। तो जुलाई महीने में मनोहर सोंटे ने आपको फोन क्यों किया था और आपका ये नंबर अभी स्विच ऑफ क्यों है? तुम्हारे नाम पे रजिस्टर्ड है ये नंबर? ये नंबर मेरे नाम पे खरीदा गया है और इस सीरीज के 8-10 नंबर और खरीदे गए मेरे नाम पर। पर मैडम ये तो मैंने अपने वर्कर्स के लिए खरीदा है। आपका कौन सा वर्कर ये नंबर यूज करता है? मैं चेक करवाता हूँ मैडम। ये तो राहुल दामोर का नंबर है गुरप्रीत जी, जो कई दिनों से बंद है। कब से? ये तो चेक करना पड़ेगा मैडम। राहुल ने जब से फोन बंद किया है तब से वो ड्यूटी पर भी नहीं आया है और उसकी कोई खबर भी नहीं है मैडम। इस राहुल दामोर का पूरा एड्रेस, उसका कोई दूसरा नंबर और तस्वीर, जो जो डिटेल्स है मुझे सब चाहिए तुरंत। इस केस की जड़ तक पहुंचने का रास्ता काफी घुमावदार साबित हुआ। हमें इस रास्ते ने फिर एक बार गोंजलगढ़ पहुंचा दिया और यहीं हमें मिलने वाला था फरीदाबाद के डबल मर्डर केस का सच। साहब गीता मेरी दूर की रिश्तेदार थी, मेरी बहन थी, मुझे भी यकीन नहीं हो रहा है कि वो मारी गई। हमें भी यकीन नहीं हो रहा कि तुझे पता ही नहीं कि गीता मर गई, क्योंकि तूने खुद उसे मरवाया। नहीं साहब नहीं। और उसके बाद अपना फोन स्विच ऑफ करके गोंजलगढ़ से गायब हो गया। ये सच नहीं है साहब। साहब वो बगल वाले गाँव में फैक्ट्री लग रही है, वहाँ मुझे 2 महीने के लिए काम मिल गया था, इसलिए चला गया था साहब। और रही बात फोन की, तो मैंने साहब को बताया साहब कि वो मुझे सस्ता सिम मिल रहा था, तो मैंने वो सिम लेके फोन में डाल दिया और वो बंद रखा। सच बोले मनोहर। साहब मैं ऐसा क्यों करूँगा? अगर मुझे यही करना होता तो मैं अपने घर वापस क्यों लौट के आता? मेरा आधार कार्ड छूट गया था, मैं वही लेने आया था, तो साहब ने पकड़ लिया मुझे। तो अब आ गया ना पकड़ में, अब सच उगलते। किसने सुपारी दी थी? साहब साहब इतना घिनौना इल्जाम मेरे पर मत लगाइए, मैं गीता को क्यों मारूंगा? साहब उसने मेरी ऐसी मदद की कि कोई सगी बहन भी नहीं कर सकती। मेरी बेटी की शादी हो गई, मेरे घर की मरम्मत हो गई, मैं तो मिलने गया था साहब। कैसे हो मनोहर भैया? अच्छा हूं, कितने साल बाद देख रहा हूं ना। तुम अपने गांव से इतनी दूर कैसे चली आई? बस किस्मत ले आई भैया, आप सबकी बहुत याद आती थी। कितनी बार गीता ने फोन से कहा कि फरीदाबाद मुझसे मिलने आ जाओ, मैं आखिर में चला गया था। उसे नहीं मालूम था कि मेरी बेटी की शादी तय हो गई, लेकिन जब मैंने उसको बताया उसके बाद उसने जो किया मेरे तो होश उड़ गए साहब। की शादी के लिए। गीता तुम्हारे पास इतने पैसे? ये कुछ नहीं है भैया, पैसे पैसे बहुत हैं पर मेरे किसी काम के नहीं। लेकिन इतने सारे पैसे मैं कैसे ले सकता हूँ? ये अपनी अंजलि के लिए हैं, अंजलि का जो जो दिल करे उसे सब खरीद देना, बहुत धूमधाम से शादी करना उसकी। मैं इसे बैग में पैक कर। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि गीता जो 19 साल पहले गाँव छोड़ के चली गई थी अचानक से इतनी अमीर हो गई और मेरे दिल खोल के मदद कर रही थी। मुझसे बोली कि और चाहिए तो बेझिझक मांग लेना। साहब मैंने पूरी जिंदगी में इतने सारे पैसे एक साथ नहीं देखे थे, 11 लाख कुल मिलाकर 2,12,45,000 होने चाहिए, मतलब 12 लाख रुपए कम है। गीता ने तुझे 11 लाख रुपए दिए या 12 लाख? 11 लाख साहब। साहब मैं घर जाके 5-5 बार गिना। अब बोलो सारिका। सर ये राहुल दामोर 16 सितंबर की सुबह को फरीदाबाद छोड़कर कहीं चला गया। उसके रूममेट से बात की तो पता चला 15 सितंबर की रात को वो कुछ 2 किलो चिकन लेके आया था और उसने सबको पार्टी दी थी।
और जो सेल फोन वो यूज कर रहा था उस सेल फोन की लोकेशन 15 सितंबर की दोपहर को पालमगंज सेल टावर के रेंज में थी। और सर उसी रेंज में जय किशन दहिया का घर आता है। तब तो इसमें कोई डाउट ही नहीं सर का, ये राहुल दामोर ही हमारा टारगेट है। कौन है ये राहुल दामोर? वो फरीदाबाद से मिसिंग है और तुम उसके टच में थे। सर ये राहुल दामोर एग्जैक्टली 16 सितंबर को ही गायब हुआ। इसका सेल फोन लोकेशन भी क्राइम सीन वाला ही शो कर रहा है। मनोहर अब सब सच सच बता दे, गीता और जयकिशन को मारने की सुपारी तुम्हें किसने दी थी और तुमने वो सुपारी आगे दी राहुल दामोर को? साहब मैं राहुल दामोर को जानता हूँ। जब मैं गीता से मिलने फरीदाबाद आया था ना तो मैं उसके कमरे पे ही रुका था। वो बुलाया तो गीता ने था लेकिन मुझे लगा कि पता नहीं उसके हालात कैसे हैं या घर पे रुकने के लिए कहेगी या नहीं। जिस दिन तुम गीता से मिलने गए थे इस राहुल दामोर को तुम अपने साथ लेकर गए थे? हाँ साहब, राहुल दामोर को मैं साथ ले गया था क्योंकि मैं फरीदाबाद में नया था और वो फरीदाबाद में बहुत समय से रह रहा था। कैसे हो मनोहर भैया? अच्छा हो, कितने साल बाद देख रहा हूँ ना। गीता ये राहुल दामोर है। नमस्ते। मेरी घरवाली का मायका देवकुंज में है तो राहुल दामोर वहाँ पे उसका पड़ोसी है। तो ये राहुल दामोर इस वक्त कहाँ पर है, फरीदाबाद में या देवकुंज में? साहब मुझे ये तो नहीं पता लेकिन देवकुंज में उसका परिवार रहता है। मनोहर जिस वक्त गीता दहिया ने तिजोरी से निकालकर तुम्हें 11 लाख रुपए दिए क्या उस वक्त उस कमरे में राहुल दामोर भी मौजूद? जी साहब था। हमें देखते ही जब राहुल दामोर भाग खड़ा हुआ हम जान गए कि हमें हमारा टारगेट मिल गया। अब सवाल ये था कि क्या ये असली टारगेट था या महज किराए का टट्टू। चंद मिनटों के लिए राहुल अपना गुनाह नकारता रहा लेकिन फिर एकदम से सब कुछ उगल गया। मुझे बुरा लगा जो मैंने किया, नहीं करना चाहिए था। तुमने जो किया क्यों किया, कैसे किया और किसके कहने पर किया? मनोहर भैया के मिलवाने के बाद मैं गीता दीदी घर अक्सर जाया करता था। वहाँ नाश्ता पानी होता और गीता दीदी मुझसे बहुत प्यार से बात करती थी। एक बात वो मुझसे बार बार पूछती थी कि क्या गाँव में कोई लड़का है गोद लेने के लिए। जी हाँ, मैं हमेशा से ये कहना चाहता था कि गीता दीदी मुझे गोद ले ले लेकिन कभी हिम्मत नहीं हो पाई। पर उनकी जान लेने की हिम्मत जुटा ली तुमने? कैसी जान सर, गीता दीदी की कोई जिंदगी थी ही नहीं। मनोहर भैया के सामने उन्होंने खुद कहा था कि पैसे उनके किसी काम के नहीं है। पैसे पैसे बहुत हैं पर मेरे किसी काम के नहीं। आज मुझे सभी लोगों की तरह पैसों की बहुत जरूरत थी। तो उस घर में पैसे चुराने गया था? जी साहब। पराठे बना रही हूँ, खाकर जाना। जब तक खाओगे तब तक ये भी उठ जाएंगे, मिलकर ही जाना। जी दीदी। मैंने घर वालों को बोल कर रखा है दीदी, एक प्यारा सा 12-13 साल का कोई लड़का हो तो बताए। मैं तो मनोहर भैया को भी बोलने वाली हूँ, गरीब से गरीब होगा तो भी चलेगा, बस उसके माँ बाप राजी हो मैं गोद ले लूंगी। कुछ चाहिए राहुल?
कितने लिए तुमने? 1 लाख थे, तब मालूम नहीं था, लेकिन घर जाने के बाद दोनों बंडल गिने तो पूरे 1 लाख रुपए थे। इतने सारे पैसे लेकर कैसे जाता सर? सोचा कि अगर ले भी जाऊं तो लगा कि पकड़ा ना जाऊं, तो मैंने तिजोरी की चाबी ली, उनके मोबाइल लिए और घर को बाहर से ताला लगाकर वहां से निकल गया। फोन के साथ क्या किया? शौचालय के उसी के कोने में छुपा दिया था। और लॉकर की चाबियां? वहां के बाद मैं गांव भाग गया था, देवकुंज। चाबियां वहीं हैं मेरे घर पर। अबे तूने सिर्फ 1 लाख के लिए 2 जाने ले ली? अरे राहुल नमो, किसका जिम्मा तू अपने सर पर ले रहा? सर ये क्या कह रहे हैं आप सब? किसने तुझे ये कहा कि 2 कत्ल करने के बाद सिर्फ 1 लाख रुपए चुराना? बोल कौन था वो? कौन है वो? अनंत दैया या नुपुर हुडा? उंगलियों के निशान मैच हुए होंगे, लॉकर की चाबी भी उसके घर से मिली होगी, लेकिन मैं ये बात मानने को तैयार ही नहीं हूं कि राहुल ने सिर्फ 1 लाख रुपए के लिए चाचा जी चाची जी को मार दिया। सर ये राहुल नूपुर से मिला हुआ है, मैं लिख कर दे सकता हूं। और नूपुर लिख कर देगी कि तुम मिले हुए उससे, जबकि सच ये है कि इस बंदे ने तुम दोनों का नाम तक नहीं सुना। पहले हमने उससे हर तरीके से पूछताछ की, वाकई राहुल ने 1 लाख रुपए चुराए थे। मान लो अब इस बात को, नूपुर का इसमें कोई हाथ नहीं। थैंक यू सर। अच्छा हुआ जो आपने कातिल को पकड़ लिया, नहीं तो सारी जिंदगी सब बस शक की नजर से देखते रहते कि सर ये जो मन पर से बोझ उतरने का सुख है ना, ये उस सुख से कई गुना ज्यादा संतुष्टि दे रहा है जो मुझे पापा की जायदाद से मिलेगी। वैसे नूपुर जी सारे पैसे कोर्ट में जमा होंगे, आपको ये पैसे कोर्ट से क्लेम करने होंगे। जब आप कोई वकील करेंगे तो सारी बात आपको समझा देगी। सर एक बात कहूं? जी। हमने कई बार ऐसा सोचा होगा कि कुछ ऐसा हो जाए जिससे कि पापा की सारी प्रॉपर्टी सारी जायदाद हमें मिल जाए। कई बार गुस्से में बुरा भी सोचा, पर इतना बुरा होगा ऐसा नहीं सोचा था सर। जयकिशन दैया और गीता दैया को जानने वाले सभी लोग बुरी तरह से चौंक गए जब उन्हें हत्या के कारण का पता चला, पर यह कारण सच था। राहुल दामोर अपने लालच के दलदल में धंस गया था। लालच दरअसल कई जुर्मों की नींव है। लालच से पीड़ित इंसान बुरे, काफी बुरे ख्यालात उस इंसान के लिए अपने जहन में ला सकता है जिसकी कोई चीज वो हासिल करना चाहता है, जो उसके लालच को तृप्त कर सके। पर ऐसे ख्यालात को अंजाम देकर कुछ हासिल करके कोई इंसान वाकई में तृप्त हो सकता है? आसान सवाल नहीं है, क्योंकि ये बड़ी जाहिर सी बात लगेगी कि जिस इंसान के पास पैसे नहीं हैं उसे पैसे का लालच होता है, और पैसे मिलने से उसका लालच तृप्त हो जाता है, और जिस इंसान के पास पैसे हैं उसे और पैसे चाहिए होते हैं, उसे अपने पैसे को बचाने का लालच होता है। किसी ने सही कहा, ये पैसा ही है जो दुनिया को गोल घुमाता है, पर पैसे का गुलाम बनना घातक साबित हो सकता है। हम सबको पैसों के लिए कुछ गलत करना तो दूर, गलत करने के ख्याल को भी अपने जहन में नहीं लाना चाहिए। ऐसा करने से जो हमें हासिल होगा उससे हमें खुशी मिलेगी, ये जरूरी नहीं। हम फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प केस के साथ अगले हफ्ते क्राइम पेट्रोल सतर्क में। जय। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।